मतदान से पहले राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट देवली उनियारा सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार केसी मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। साथ में दावा भी किया कि झारखंड और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने उपचुनाव में प्रदेश की सभी 7 सीटों पर जीतने का दावा किया है। वहीं सचिन पायलट ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 11 महीनों में राजस्थान का हाल बुरा है, न किसान को बिजली मिल रही है, न खाद और बीज, तो वहीं न पानी भी मिल रहा है। अलग अलग विचार हो सकते हैं, किसी से आपके अंदर भी हो सकती है, लेकिन भाषा और शब्द सही में होने चाहिए, क्योंकि हम गांधी भी करते हैं लोगों को उदाहरण देने के लिए कि हम विकास करना चाहते हैं, हम विकास की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, लोगों को साथ लेकर चलने की बात करेंगे। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शब्दों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग वो मर्यादित हो। मैंने अपने जीवन में, अपनी राजनीति में हमेशा इस उसूल से कभी अपने आप को दूर नहीं रखा है। और स्वर्गीय मेरे पायलट साहब, मेरे पिताजी भी इस बात को कहा करते थे, अपनी बात बोलो, जोर से बोलो, लेकिन इज्जत, सम्मान और मर्यादा के तहत रहकर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी बात को सब लोग सुनते हैं। आज जो 15-20-25 साल के लड़के लड़कियां हैं वो हमारी बात सुनते तो होंगे, हो सकता है बात पसंद ना आए, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो राजनीति में एक गलत उदाहरण साबित करते हैं। इसलिए आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं मेरी पार्टी के लिए, और केसी मीणा जी जीत कर जाएंगे अगर, याद रखो यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता, 4 साल बाद यह राज कांग्रेस का बनने वाला है, और ये तो इतनी जल्दी किसी